हाय, वेलकम टू स्टील डिज़ाइन। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी। पिछली वीडियोस में हमने सीखा कि स्टैड में मॉडलिंग कैसे की जाती है, लोड कैसे डिफाइन किए जाते हैं, पैरामीटर्स के बेसिक्स क्या हैं, और उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, रन कैसे किया जाता है, ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, और डिफ्लेक्शन को कैसे चेक किया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के पेज पे जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट सीरीज, जो कि है डिजाइन ऑफ वेयरहाउस एज पर IS 800/2007, जो कि स्टील डिजाइन का इंडियन कोड है। इस वीडियो में हम वेयरहाउस के बारे में जानेंगे, उसको मॉडल कैसे किया जाए, उस पे लोड कैसे डिफाइन किया जाए। तो इस टाइप से कुछ आपका मॉडल बनेगा कि जो वेयर हाउस को डिजाइन करने का मॉडल होगा। इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ हम कैसे इसकी स्टार्ट करने वाले हैं मॉडलिंग के लिए। तो सबसे पहले हम 2D में डिजाइन करेंगे इस टाइप से। इस टाइप से फ्रेम डिजाइन करेंगे, उस पे लोडिंग लगाएंगे, सारे पैरामीटर्स देंगे, उसको डिजाइन करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। जब हम 2D में पूरा ऑप्टिमाइज कर लेंगे, फिर हम उसमें एक कमांड होती है यहाँ पे, ट्रांसलेशन रिपीट। ट्रांसलेशन रिपीट कमांड का यूज करके 2D से उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ब्रेसिंग्स लगाएंगे। तो ये होगा हमारा प्रोसीजर। अभी हम एक एग्जाम्पल के को लेके इसको स्टार्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, हमारा बिल्डिंग की सारी डिस्क्रिप्शन होगी, जैसे ये वेयरहाउस डिजाइन एज पर IS 800/2007। तो हमारे पास जो बिल्डिंग की डिटेल है वो है बिल्डिंग की लेंथ 45 मीटर, सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर क्या है, सेंटर टू सेंटर जो स्टील का कॉलम होगा उसकी एक सेंटर लाइन होगी, उसकी सेंटर लाइन से दूसरे कॉलम की सेंटर लाइन। तो वो लेंथ होगी 45 मीटर, विड्थ होगी 18 मीटर, क्लियर हाइट होगी 7 मीटर, ब्रिक वॉल की हाइट होगी 3.0 मीटर, बेसिक विंड स्पीड होगी 47 मीटर पर सेकेंड, और रूफ स्लोप होगा 1:10। अगर आप 1:10 होता क्या है ये स्लोप, अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर हम 10 मीटर की डिस्टेंस पे स्लोप काउंट करें कि रूफ का जो स्लोप है कितना बनेगा, तो 10 मीटर डिस्टेंस पे हाइट 1 मीटर बढ़ाने पे जो स्लोप बनता है वो बनता है 1:10। ये सारी डायमेंशंस एमएम में है, तो 10,000 mm का मतलब 10 मीटर। तो 10 मीटर डिस्टेंस के लिए जो हाइट है वो 1 मीटर ऊपर हो जाएगी, और उस उन दोनों को मिलाने पे जो स्लोप बनेगा, ये वाला, इन दोनों को मिलाने पे जो ये स्लोप बनेगा, इस स्लोप को हम बोलेंगे 1:10 स्लोप। क्लियर? तो स्लोप होगा 1:10, और सोलर पैनल का लोड जो रूफ पे हम लेने वाले हैं वो 25 kg पर स्क्वायर मीटर लेने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग से। फर्स्ट नोड होगा हमारा 0, 0, सेकेंड नोड हमारा होगा 7 मीटर पे, क्योंकि हाइट हमारी जो है वो 7 मीटर है, तो एक्स वहीं पे 0 रहेगा और वाई 7 मीटर पे। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे कॉलम कॉलम मॉडल हो जाएगा इस टाइप से। ये हमारी बिल्डिंग का कॉलम हो गया, जिसकी जो हाइट है, हाइट आप यहां से मेजर भी कर सकते हैं, 7 मीटर हाइट का एक कॉलम है। इसको हम सपोर्ट देंगे, पिंड सपोर्ट क्रिएट। यहां तक क्लियर है। अब बिल्डिंग की जो विड्थ है हमारी 18 मीटर है, तो इस कॉलम को हम पेस्ट कर देंगे 18 मीटर। यहां से सिंपल कॉपी करेंगे और यहां से पेस्ट बीम कर देंगे एक्स डायरेक्शन में 18 मीटर। तो ये 18 मीटर पे हमारा कॉलम आया, बिल्डिंग की विड्थ 18 मीटर और कॉलम की हाइट, बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर। अब इसका सेंटर पॉइंट होगा रिज पॉइंट जो है, रूफ का रिज वो होगा, अब आप उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में 9 मीटर होगा, ज्योमेट्री एक्स डायरेक्शन में होगा 9 मीटर, और वाई डायरेक्शन में देखो कितना होगा, 7 मीटर तो यहाँ पे है। और 1:10 का स्लोप है। तो 9 मीटर के लिए कितना ऊपर चला जाएगा, 900 mm, 900 mm मतलब 0.9 मीटर। तो वाई डायरेक्शन में हो जाएगी 7.9 मीटर। अब इन दोनों को यहां से ज्वाइन कर देते हैं हम बीम को।
इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, स्टार्ट पॉइंट आप यहाँ से, इसमें अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ इसमें भी यहीं से स्टार्ट करें ताकि बिल्डिंग की मॉडलिंग में ज्योमेट्री बनी रहे। ओके, तो ये आपका सिंपल जो वेयरहाउस का एक सिंपल फ्रेम है वो मॉडल हो गया है। आप इसकी जो है प्रॉपर्टी भी असाइन कर सकते हैं, रैंडम प्रॉपर्टी कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ स्ट्रेट सेक्शन 0.35 वेब, 0.005 उसकी वेब की थिकनेस, और 200 का उसके फ्लैंज, और 0.01 यानी कि 10 mm की उसकी फ्लैंज की थिकनेस। ओके, अब मैं फ्री रन करूंगा तो कॉलम और राफ्टर, ये जो टॉप, अच्छा कॉलम राफ्टर क्या होते हैं, ये जो है कॉलम सबको पता है, कॉलम यूनिवर्सल है। ये जो टॉप वाला जो बीम है, ये वाला बीम, इसको वेयरहाउस में हम बोलेंगे राफ्टर। ओके, ये हमारा होगा राफ्टर और ये होगा हमारा कॉलम। तो ये प्रॉपर्टीज में कॉलम और राफ्टर दोनों को असाइन करने वाला हूं। तो कॉलम और राफ्टर को मैंने एक प्रॉपर्टी असाइन कर दी। आप इसको Ctrl+2 से आप इसको देख भी सकते हैं कि प्रॉपर्टी असाइन हुई है नहीं हुई है। ओके, तो ये थी सिंपल मॉडलिंग। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, अब हम करेंगे इस पे लोड असाइन। जनरल में जाएंगे, लोड एंड डेफिनेशन में जाएंगे, लोड केसेस में जाएंगे, एज सिंपल जैसे पहले बताया हुआ है आपको, यहाँ पे डेड लोड इसका नाम दे देंगे हम DL, एड लाइव लोड यहाँ पे दे देंगे LL, और तीसरा हमारा जो केस है जो आपको बताया था, इसमें सोलर पैनल का लोड भी है, तो सोलर पैनल के लोड को हम कंसिडर करेंगे कोलेटरल लोड में। कोलेटरल लोड अब होता क्या है, कोलेटरल लोड एक ऐसा लोड होता है जिसको आप कभी भी रिमूव कर सकते हो, कभी भी लगा सकते हो। ओके, जैसे सोलर पैनल है, हमने बिल्डिंग में अभी लगा लिया, हमारा मन किया लगा लिया छत पे, मन किया उसको हटा दिया, तो एक ऐसा लोड जिसको आप कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, उस लोड को हम बोलते हैं कोलेटरल लोड। क्लियर? तो लाइव लोड, तीसरा लोड जो होगा हमारा कोलेटरल लोड। अगर इसमें कोलेटर लोड नाम से कोई कुछ है नहीं तो यहाँ पे नन कर देंगे और यहाँ पे उसको CL का नाम दे देंगे। ओके, एड क्लोज। अभी हमने तीन लोड ऐसा, तीन लोड हमने बना लिए लोड केसेस, पहला लाइव डेड लोड, लाइव लोड और कोलेटरल लोड। आज हम इन तीनों लोड को ही असाइन करेंगे, बाकी लोड्स जो हैं विंड लोड और सिस्मिक लोड जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम उनकी स्टडी करेंगे। ओके, तो डेड लोड, अभी डेड लोड कितना है, डेड लोड की जो हमारी कैलकुलेशन है वो इस टाइप से होगी। डेड लोड में क्या क्या आता है, डेड लोड में देखो हमारा पर्लिंस होंगे। पर्लिंस क्या होते हैं, जो रनर्स होते हैं रूफ शीट को सपोर्ट करने के लिए, उनको हम बोलते हैं पर्लिन। तो रूफ की जो शीट है, सपोज करो 0.5 mm की हमारी रूफिंग की शीट है, रूफिंग शीट का सेल्फ वेट, पर्लिन का सेल्फ वेट, ओके, और कुछ एक्सेसरीज होंगी जो ब्रेसिंग्स वगैरह होंगी उनका वेट, वो सारी वेट जो सेल्फ लोड जो होता है बिल्डिंग का हर एक्सेसरीज का, वो आता है हमारा डेड लोड में। तो हमारा डेड लोड कितना होगा इस बिल्डिंग में, तो अगर उन सबको एक बार मिला लिया जाए तो लगभग 15 kg पर स्क्वायर मीटर के करीब आता है। 15 kg मतलब 0.15 kN पर मीटर स्क्वायर। अब कैसे आता है उसकी एक बार ब्रेकअप कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहां पे देखिए, ये जो डेड लोड का जो मेरा ब्रेकअप है वो इस टाइप से होगा, वेट ऑफ शीटिंग होगा अराउंड 5 kg पर मीटर स्क्वायर, वेट ऑफ पर्लिन मेरा होगा लगभग 4.12 kg पर मीटर स्क्वायर, और वेट ऑफ जो एक्सेसरीज है जैसे सैग रोड है, ब्रेसिंग है, क्लिप्स है। अब ये सैग रोड ब्रेसिंग की क्लिप को हम देखेंगे जब इनकी डिजाइन कैलकुलेशन में जाएंगे पर्लिन की, तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप ये मान के चलिए ये एक्सेसरीज होती हैं बिल्डिंग में जो लगती है, उनका वेट लगभग 5.75 kg पर स्क्वायर मीटर होता है। तो इन तीनों को मिलाने पे जो टोटल वेट बनता है वो मेरा लगभग अप्रोक्स 15 किलो पर मीटर स्क्वायर बनता है। ओके, तो ये डेड लोड में हम बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई करेंगे 15 kg पर मीटर स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है कि 15 kg पर स्क्वायर मीटर, तो हमने डेड लोड निकाल लिया है, अब इसको अप्लाई जो करेंगे फ्रेम पे, क्योंकि जो हमारा 15 kg पर स्क्वायर मीटर है वो है सरफेस लोड। ओके, पूरी सरफेस पे जो लग रहा है, अब हमें उस लोड को फ्रेम पे लगाने के लिए
पर रनिंग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब पर रनिंग मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो आप हम देख लेते हैं। हमारी जो बिल्डिंग की लेंथ है वो है 45 मीटर, विड्थ है 18 मीटर। ओके, तो अब इसमें हम ग्रिड्स बनाएंगे, कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स आएंगे वो हमको डिसाइड करना है। ओके, तो अगर मैं ये एक सेंटर लाइन, एक फ्रेम की सेंटर लाइन हो गई, ओके, और ये लेंथ वाइज सेंटर लाइन हो गई, ओके, ये है मेरा विड्थ 18 मीटर सेंटर टू सेंटर। ओके, तो फर्स्ट फ्रेम हो गया मेरा, ये स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट फ्रेम, ग्रेड लाइन 1 हो गई। अब 45 मीटर लेंथ है। अब जो हमेशा हमको याद रखना होगा कि जो हम फ्रेम टू फ्रेम जो स्पेसिंग देंगे, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच की जो स्पेसिंग होती है उसे हम बोलते हैं बे स्पेसिंग, बे स्पेसिंग। ओके, तो बे स्पेसिंग जो हमें रखनी है 7 से 8 मीटर के बीच में ही रखनी है। ओके, तो लेंथ हमारी 45 मीटर है। अगर इसको हम डिवाइड करें 6 से, अगर हम 6 फ्रेम्स 6 से डिवाइड करें, 6 बे स्पेसिंग काउंट करें, तो आती है लगभग 7.5 मीटर। तो यहां पे 45 डिवाइडेड बाय 6 करें तो आती है 7.5 मीटर। तो हम जो बे स्पेसिंग लेंगे वो लेंगे 7.5 मीटर। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? तो हमारा जो नेक्स्ट फ्रेम होगा, फ्रेम अलोंग ग्रेड लाइन 2, उन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो होगी 7.5 मीटर। क्लियर? अब इसी टाइप से हम बाकी फ्रेम्स बनाएंगे। ओके, तो हमारे टोटल फ्रेम्स होंगे, बेसिंग होगी 6, फ्रेम हो जाएंगे 7, कुछ इस तरह से। ओके, और अगर एंड वॉल पे जो हम हमारे एंड वॉल कॉलम्स होंगे उस पे हमारे आ जाएंगे 3 एंड वॉल कॉलम्स इस टाइप से। अगर ये ग्रिड लाइन मेरी ए है, ये हो जाएगी बी, ये हो जाएगी सी, और ये हो जाएगी डी। ओके, और ये होंगे 6 6 मीटर के 3 बेज एंड में। ओके, तो मेरी बेस स्पेसिंग निकल के आई है 7.5 मीटर। तो अब डेड लोड की कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम देखते हैं। डेड लोड है हमारा 0.15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बेस स्पेसिंग है मेरी 7.5 मीटर। अब इस लोड को मुझे अपने फ्रेम पे अप्लाई करना है। अब ये है सरफेस लोड। ओके, 0.15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया पे 0.15 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है। लेकिन हमें तो अपने फ्रेम पे रनिंग मीटर में यूडीएल लगाना है। जैसे ये मेरा फ्रेम है, तो हम जो लोड अप्लाई करेंगे वो तो एज ए यूडीएल करेंगे, और उसकी वैल्यू होगी, सपोज करो एक्स निकल के आती है, एक्स किलो न्यूटन पर रनिंग मीटर। तो मुझे ये स्क्वायर मीटर से रनिंग मीटर में लोड को कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे देखिए, ये जो मेरी बेस स्पेसिंग थी ये थी 7.5 मीटर। तो अगर मैं पर फ्रेम पे अगर ट्रिब्यूटरी एरिया काउंट करूं तो वो कुछ इस टाइप से निकल के आता है।
ये होगा 7.5 मीटर का एरिया और ये कुछ मेरे फ्रेम पे इस एरिए का लोड अप्लाई होगा। ओके, तो 7.5 मीटर का एरिया पर रनिंग मीटर में, तो मैं इसको किस टाइप से कन्वर्ट करूंगा, 0.5 की मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो मेरा सरफेस लोड से पर रनिंग मीटर यूडीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा डेड लोड अप्लाई, डेड लोड क्या निकल के आएगा ऑन फ्रेम, मैं यहां पे लिखता हूं डेड लोड ऑन फ्रेम इज इक्वल टू हो जाएगा 0.15 इंटू द बेस स्पेसिंग 7.5 इज इक्वल टू मेरा बनता है 1.125 किलो न्यूटन पर रनिंग मीटर। ओके, तो ये डेड लोड हो गया। सेम उसी तरह से लाइव लोड भी, लाइव लोड ऑन फ्रेम, अब एज पर IS 875 जो हमारा लाइव लोड है वो होता है 75 केजी पर मीटर स्क्वायर फॉर द नॉन एक्सेसिबल रूफ। अब नॉन एक्सेसिबल रूफ क्या होता है, वो रूफ जहां पे आप छत के ऊपर जा नहीं सकते, छत के ऊपर आपकी पार्टीज नहीं हो सकती, आप घूमने नहीं जा सकते, तो वैसी रूफ होती है नॉन एक्सेसिबल रूफ। जैसे घरों में हमारी जो रूफ होती है वो होती है एक्सेसिबल, आप कभी भी छत पे जा सकते हो, छत पे बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, पार्टीज कर सकते हो, लेकिन वेयर हाउस के केस में जो रूफ होती है उसमें आप छत पे जा नहीं सकते, रूफ के ऊपर आप गैदरिंग कर नहीं सकते, तो उस टाइप की रूफ हमारी कहलाती है नॉन एक्सेसिबल रूफ। तो उस केस में IS 875 जो डिफाइन करता है नॉन एक्सेसिबल रूफ के लिए, वो लोड होता है 75 केजी पर मीटर स्क्वायर। तो 75 केजी पर स्क्वायर मीटर मींस हो गया 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये है। अच्छा, फ्रेम पे करने के लिए इसमें हम बेस स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, तो लाइव लोड ऑन फ्रेम ये बनता है मेरा 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, ये बनता है 5.625 किलो न्यूटन पर रनिंग मीटर। सेम ऐसे ही कोलेट्रल लोड ऑन फ्रेम हो जाएगा मेरा, कोलेट्रल लोड ऑन फ्रेम इज इक्वल टू हो जाएगा, कोलेटरल लोड ऑफ फ्रेम हमने अभी बताया था 25 केजी पर स्क्वायर मीटर गिवन है, तो 25 केजी पर स्क्वायर मीटर इसका होता है 0.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7.5 इज द बेस स्पेसिंग। तो मेरा कोलेटरल लोड ऑन फ्रेम बनता है 0.25 इंटू 7.5 बेस स्पेसिंग, ये होता है 1.875 किलो न्यूटन पर रनिंग मीटर। तो ये कैलकुलेशन होती है डेड लोड ऑन फ्रेम, फ्रेम पे डेड लोड कितना लगेगा, लाइव लोड कितना लगेगा, कोलेटरल लोड कितना लगेगा। अब इसको हम स्टैट पे अप्लाई करते हैं, डेड लोड की वैल्यू ऐड कर देते हैं मेंबर लोड में ग्लोबल वाई, क्योंकि ये ग्रेविटी लोड है, ग्लोबल वाई डायरेक्शन में लगेगा, वैल्यू माइनस में आएगी, -1.125 ऐड कर देते हैं क्लोज। सेम ऐसे ही लाइव लोड भी ऐड ग्लोबल वाई डायरेक्शन में, मेंबर लोड -5.625 ऐड। सेम ऐसे ही कोलेटरल लोड जो सोलर पैनल का लोड है वो भी ग्रेविटी लोड है, ग्लोबल वाई डायरेक्शन में, मेंबर लोड ग्लोबल वाई डायरेक्शन में -1.875 एड क्लोज। अब असाइन कर देते हैं। अब जो डेड लोड है वो रूफ पे भी होगा, क्लैडिंग पे भी आएगा, क्योंकि जो सेल्फ वेट है वो क्लैडिंग का कॉलम्स पे भी होता है, रूफ पे भी होता है, तो इसको हम असाइन कर देंगे अपने रूफ के राफ्टर पे और कॉलम्स पे, करेक्ट। सेम ऐसे ही लाइव लोड, लाइव लोड केवल रूफ पे होगा। अब लाइव लोड होता क्या है, लाइव लोड में जैसे जैसे जब बिल्डिंग को हम असेंबल करते हैं साइट पे, तो जो लेबर है वो रूफ पे ऊपर काम करती है, उसको असेंबल करती है। सेम ऐसे ही
टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के लिए रूफ पे लोग जाते हैं, सेम है। और कभी कभी रेन का जो लोड है उसको भी हम मान के चलते हैं लाइव लोड में ही, तो इसको हम केवल लाइव लोड को रूफ पे ही अप्लाई करते हैं। सेम ऐसे ही कोलेट्रल लोड को जो कि सोलर पैनल का लोड है उसको तो रूफ पे अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है डेड लोड, लाइव लोड, कोलेट्रल लोड। ओके, तीनों लोड हमने अप्लाई कर दिए हैं जो कि हमारे ग्रेविटी लोड। ओके, अभी वीडियो कुछ लंबी बन गई है तो वरना हम विंड लोड को भी डिस्कस करते, तो विंड लोड को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसकी जैसे सारे लोड बताए हैं हमने, इसकी बेस स्पेसिंग, इस सब का रिवीजन करो, इसका पे खुद प्रैक्टिस करो, और जहाँ तक मॉडल आज मैंने बनाया है वहाँ तक मॉडल बना के ओके इसका रिवीजन करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में विंड लोड के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।